एनडीए खेमे के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है। क्या जेपी नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके हवाले से जो खबरें चलाई जा रही हैं, उनमें कहां तक सच्चाई है? आपको बताते चले कि कुछ न्यूज आउटलेट्स के अनुसार एनडीए खेमे में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय पाया गया है, लेकिन नौकरशाही.com को जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये सीट शेयरिंग फॉर्मूला जिसके बारे में अभी न्यूज में बात की जा रही है वो जेडीयू को किसी भी कीमत पे मंजूर नहीं है। नौकरशाही.com के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूँ शाहबाज और आज हम लोग बात करेंगे एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जो कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। जेपी नड्डा के हवाले से ये खबर आ रही है कि एनडीए खेमे में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय पाया गया है जिसके अनुसार जनता दल यूनाइटेड को 110 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटों पर चुनाव लड़ना है और एनडीए की एक और प्रमुख सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी को 33 सीटों से संतोष करना पड़ेगा। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जब जब भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार की जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी एक साथ आई है तब तब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बिहार में जीत हुई है, इसको हमको समझना चाहिए। और इस बार भी हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और इसके साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और यशस्वी होंगे, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन नौकरशाही.com के पास ये खबर मिली है जेडीयू के करीबी विश्वस्त सूत्रों से कि जेडीयू को ये सीट शेयरिंग फॉर्मूला किसी भी कीमत पे मंजूर नहीं है। तो आइए आपको बता दें कि जेडीयू की तरफ से इन खबरों का खंडन क्यों आ रहा है। दरअसल इसका कारण 2010 का फॉर्मूला है। 2010 में जदयू और भाजपा साथ में चुनाव लड़ी थी तो 2010 के सीट शेयरिंग फॉर्मूले के अनुसार जेडीयू ने 141 सीटों पर चुनाव लड़ा था और बीजेपी 102 सीट्स के ऊपर चुनाव लड़ी थी। तो जेडीयू के टॉप मोस्ट नेताओं का ये मानना है कि जेडीयू को इतनी कम सीटों के ऊपर चुनाव लड़ना बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तो 2010 फॉर्मूले को अगर देखें तो जहां अभी जेडीयू को 2020 में जो न्यूज में खबरें चल रही हैं उसके अनुसार 110 सीटें देने का दावा किया जा रहा है, जबकि 2010 में जेडीयू को, जनता दल यूनाइटेड को 141 सीटें मिली थी। 2010 के फॉर्मूले के अनुसार जेडीयू ने 141 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा था। तो जेडीयू के विश्वस्त सूत्रों का कहना यह है कि अगर हम लोग 125-26 से कम सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, यानी कि 141 से 125-26 सीटों के बारे में बात हो रही है तो सीधे तौर पर 15-16 सीटों की कमी है। तो जेडीयू के नेताओं का यह मानना है कि अगर बीजेपी भी इतनी ही सीटों पर कॉम्प्रोमाइज कर ले, यानी कि 102 में से 15-16 सीटें घटा दे तो 82-83 सीटें बीजेपी को मिलेगी। इसलिए जेडीयू के नेताओं का यह कहना है कि हम 125-26 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे और इतनी ही कमी बीजेपी को भी करनी होगी, तब जाकर जो स्पेस बचेगा इसमें एलजेपी को सीटें मिल सकती है। क्योंकि देखा जाए तो बिहार में जेडीयू भाजपा का बड़ा भाई प्रतीत होता है, इसलिए जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं का यह मानना है कि भाजपा को 82-83 सीटों से संतोष करना पड़ेगा, तब जाकर यह फॉर्मूला तय पाया जा सकेगा। तो अब आपसे गुजारिश है कि नौकरशाही मीडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इससे आपको ये फायदा होगा कि आपको हमारे बनाए गए वीडियोस सबसे पहले मिले।